जनसेवा के अहर्निश अनुष्ठान से हुई सीएम योगी के नए साल की शुरुआत। कड़ाके की ठंड में भी आयोजित हुआ जनता दर्शन। सीएम योगी ने सुनी 300 लोगों की फरियाद। सीएम योगी ने कहा, पैसे के अभाव में बाधित नहीं होगी बिटिया की उच्च शिक्षा। परसौनी गांव में शनिवार की रात डांस पार्टी में हुए मारपीट में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाते हुए युवक की हुई मृत्यु। मामला कैंपियागंज थाना क्षेत्र का। एसपी नार्थ ने कहा, पिता की तहरीर पर मुकदमा किया गया है पंजीकृत। दो अभियुक्तों की हो चुकी गिरफ्तारी। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दे रही है दबिश। जल्द होगी गिरफ्तारी। नव वर्ष के पहले दिन श्रद्धालुओं नागरिकों ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर किया गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चना। सभी के जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना। मेले का उठाया लुत्फ, कहा बहुत ही सुंदर रहता है यहां का नजारा। जनपद के दक्षिणी क्षेत्र के खजनी, गघा, सिकरीगंज, बड़हरगंज सहित उरवा बाजार के थानों में 20 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर के तहत की गई कार्रवाई। एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने दी जानकारी। दो हजार तेईस की शुरुआत के पहले दिन नौका विहार पर हजारों की संख्या में उमड़ी सैलानियों की भीड़। रविवार को पूरा शहर पर्यटकों से रहा गुलजार। बोटिंग का लिया आनंद, कहा नौकायान के जेटी पर किया फुल एंजॉय। चोरी व लूट की घटना कारित करने वाले कोढ़ा गैंग बिहार के तीन छात्र अभियुक्तों करण यादव उर्फ संजय यादव, वीरेंद्र यादव और शिवा यादव के ऊपर कैंट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने दी जानकारी। नौ वर्ष के अवसर पर शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान केंद्र में पर्यटकों की उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने प्राणी उद्यान में जानवरों को देखकर खूब उठाया लुत्फ। बाड़े के पास से ही जानवरों के साथ ली सेल्फी। दो शातिर चोरों अविनाश चौहान और अनिल चौहान के ऊपर चिरुआ ताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। सीओ कैंपियरगंज श्यामदेव बिंद ने दी जानकारी। जनपद में नौ वर्ष के अवसर पर सभी भीड़ वाले क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था का रहा पुख्ता इंतजाम। नागरिकों के आवागमन को सुदृढ़ बनाने के लिए ट्रैफिक को किया गया था डायवर्ट। एसपी सिटी ने नौ वर्ष की सभी नागरिकों को दी शुभकामना। और नए साल के अवसर पर रेलवे म्यूजियम में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। नागरिकों और बच्चों ने रेलवे म्यूजियम के टॉय ट्रेन का उठाया लुत्फ। बच्चों ने कहा, बहुत ही अच्छा लगा रेलवे म्यूजियम में घूमकर।